तीसरा है पूंजी निर्माण में मुद्रा के कारण सहयोग मिलता है, लोग बचत करके उसे विनियोग में लगाते हैं और स्थिर पूंजी का विस्तार करते जाते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी फैक्ट्रीज आदि का उत्तरोत्तर विस्तार यहाँ होता है। इस प्रकार मुद्रा पूंजी निर्माण या निवेश में मदद करती है। जब मौद्रिक बचत का उपयोग करके उसे कारखाने की स्थापना में लगाया जाता है तो वास्तविक पूंजी का विस्तार होता है और उससे आर्थिक विकास में गति तेज होती है। चौथा है कि मौद्रिक और वित्तीय मध्यस्थता के कारण पारिवारिक बचतें विनियोग में लगाई जाती हैं, जिससे मुद्रा बचत और विनियोग के बीच एक कड़ी का काम करती है। इससे परिवारों की को तरलता, प्रतिफल और जोखिम में अपनी पसंद के अनुसार मिश्रण करने में मदद मिलती है। इससे पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है और सर्वश्रेष्ठ विनियोग के प्रस्ताव अपनाने की सहूलियत होती है। पांचवा है, मुद्रा एक देश में आंतरिक व्यापार के अलावा विदेशी व्यापार और पूंजी के आदान प्रदान में भारी योगदान देती है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के आयात निर्यात का महत्व काफ़ी यहाँ बढ़ गया है। विभिन्न देशों के बीच पूंजी का आदान प्रदान एक आम बात हो गई है। एक देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी विनिमय कोषों की मात्रा, विदेशी विनिमय की दर और बकाया विदेशी कर्ज की राशि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इन सबका आकलन व निर्धारण मुद्रा में ही